झारखंड मानव अधिकार सम्मेलन ने आज एमजीएम में मरीजों के बीच खिचड़ी का वितरण किया। वैसे जीएचआरसी हर माह ये भोग का वितरण करेगी। जीएचआरसी ने आज एमजीएम अस्पताल में भोग का वितरण किया। वैसे ये संस्था हर महीने के अंतिम शनिवार को खिचड़ी का वितरण करेगी। जीएचआरसी के साथ साथ शहर के कई सामाजिक संस्थाओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया है। जीएचआरसी का उद्देश्य कि गरीबों का भूख मिटे। वैसे सरकारी उदासीनता के कारण गोदामों में सड़ रहे अनाज गरीबों तक पहुँचाया जाए। आपको बता दें कि यह संस्था पिछले एक सप्ताह से अन्नपूर्णा योजना के तहत एक मुट्ठी अनाज वसूल रही थी। संस्था का यह कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा और वसूले गए अनाज को भोग के रूप में गरीबों के बीच वितरण किया जाएगा। ये अभियान अन्नपूर्णा के तहत गरीब मरीजों और गरीबों के बीच में निःशुल्क भोजन वितरण का प्रोग्राम चल रहा है। ये प्रोग्राम कई वर्षों से हम चला रहे हैं और कार्यक्रम का जो मूल मकसद है वो ये है कि सरकार अक्सर घोषणा करती है कि एक रुपये किलो गरीबों को चावल देंगे, राशन देंगे, मिलता नहीं है। और सरकार का अनाज गोदामों में सड़ता है और कहीं कहीं पर मिलता भी है तो उसमें भी चावल दाल में कीड़ा लगा रहता है। तो सरकार का घोषणा जहां कागजी साबित हो रहा है तो हम लोगों को लगता है कि आप गरीबों की सेवा के लिए आम जनता को खुद खड़ा होना पड़ेगा। और उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक मुट्ठी अनाज सहयोग करने का आह्वान किया है और उसी क्रम में हम लोग खाना बना करके गरीबों की सेवा कर रहे हैं। जनता ही जनता का सेवा करे, इसी संदेश को हम चाहते हैं कि लोगों तक पहुँचे और हम लोग जितना कर सकेंगे इसको करेंगे। अभी महीने में एक बार चल रहा है, हम लोग प्रयास करेंगे हफ्ते में और बाद में डेली करने का। और यही उद्देश्य होगा कि जनता ही जनता का सेवा करे, हम सरकार के भरोसे रहने वाले नहीं हैं।